शुरू करें। देखिए अभी आप जो देख रहे थे किसके लिए क्या सा कौन सा फॉर्म आप यूज करेंगे, ITR 1 2 ऐसे देख रहे थे, अचानक आपने देखा कि बहुत सारे 139 AB ऐसे लिखा हुआ आपने देखा। जब आप ये देख रहे थे तो आपको पता नहीं चल रहा था कि है क्या। अब आपको पता चला कि अभी सबसे लास्ट में आपने लिखा था ITR कौन सा, देखिए ये देखिए यहां पर ITR 7 में आप देख रहे थे कि द फॉर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन, अगर 4A, अब 4A देखिए 139 4A क्या आ रहा है, रिटर्न ऑफ इनकम बाई 139 4B लिखा हुआ है ना, 139 4C किसके लिए, 1 देखिए 4D किसके लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। अगर ऐसा रहेगा तब ITR 7 लगेगा, देख लिए। तो ITR 7 के लिए अंडर सेक्शन बहुत जरूरत था कि 139A 139B 139C 139D है क्या। अब आपको क्लियर हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई कॉलेज का आप रिटर्न सबमिट करना है तो कौन सा करेंगे आप, 139 40 के अंदर आ रहा है तो उसके लिए ITR 1 2 थोड़ो ना लेंगे, कौन सा लेंगे। क्लियर हुआ, एक एक चीज जहां से रिलेटेड है एक एक वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक दूसरे का कनेक्शन जुड़ता जा रहा है। तो देखेंगे रिटर्न ऑफ लॉस ये अलग से आता है लिखने के लिए, 139 3 बोलिए आगे 139 रिटर्न ऑफ इनकम 139 रिटर्न ऑफ इनकम बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आज ही आपके पास रिटर्न भरवाने के लिए तो आप कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, ITR रिटर्न ऑफ इनकम बाय साइंटिफिक रिसर्च, याद है ना साइंटिफिक रिसर्च के लिए पूरा छूट भी मिलता है वो 139। मान लीजिए कोई कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपसे आ गया, बोला हम आपका क्लाइंट बनना चाहते हैं, खुशी का बात है ना, आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं आप CA बन गए, वो आ गया बोला ठीक है अब मेरा सारा अकाउंट आप देखिए कितना बड़ा अकाउंट होगा, अरे वो आपको लूटते आप उधर से लूट लीजिएगा, तो वहां पर कौन सा फॉर्म लगेगा, 139 40 है तो ITR 7। देखो वहां पर इतना ही खत्म नहीं हुआ था, ITR 7 में और भी कुछ था, और वो क्या था बोलिए, 139 4E भी था ना उसमें, 139 4F भी था। इसका मतलब अब क्या हुआ, ITR 7 जो यूज करेंगे हम लोग, कॉलेज देख लिए, यूनिवर्सिटी देख लिए, पॉलिटिकल पार्टी देख लिए, सब कुछ देख लिए, लेकिन अगर ट्रस्ट है, ट्रस्ट बिजनेस ट्रस्ट, उसके लिए भी ITR 7। रिटर्न ऑफ इनकम बाय इन्वेस्टमेंट फंड, जो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, बहुत सारे कंपनी है ना, उसके लिए ITR 7 लगेगा। अब इसके लिए लिखने के लिए आता है, व्हाट इज रिवाइज्ड रिटर्न्स, लिखने के लिए आया है 139 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न भरते हैं ना तो रिटर्न में बहुत कुछ का जरूरत पड़ता है, नाम एड्रेस फादर नेम, आपका इनकम कौन कौन सा था, क्या क्या डिडक्शन ले रहे हैं, यानी टोटल चीज, वो पार्टिकुलर्स टू बी सबमिटेड विथ रिटर्न। अरे कुछ जानो या मत जानो ये बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने 2 स्टार लगाया। जब आप रिटर्न भरोगे तो उसमें क्या क्या आपको भरना है, 139(6) एंड 139(6A) पूरा लिखाना पड़ेगा हमको कि 139(6) में हम लोग क्या क्या फर्निश करते हैं, मतलब क्या क्या हम लोग वहां सप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशन, एंड 139(6A) के अंदर हम लोग क्या इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं। और लास्ट वन ये भी आपको शॉर्ट नोट में आता है लिखने के लिए, डिफेक्टिव रिटर्न्स 139। आ रहा है कुछ समझ में,